हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकुशवाजी यूट्यूब चैनल। सिविल स्कोर फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सीएससी के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि अपना सिविल स्कोर या फिर किसी भी कैंडिडेट का सिविल स्कोर अगर आप एक सीएससी भी लिए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज हमने 8 तारीख को अपने चैनल में पोस्ट के माध्यम से कर दिया था। हालांकि वीडियो रिलीज नहीं करी थी, लेकिन ये मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे हमारे वीएलई लोगों की क्वेरी आ रही है और हमारे पास ये मैसेज आ रहे हैं कि सर, जब भी हम अपने सिविल स्कोर को चेक करते हैं या फिर किसी कैंडिडेट का करते हैं तो प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे सिविल स्कोर जनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं और आपको लाइव करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। गाइस, इसका बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है, मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन किया और आपके सामने एक लाइव जनरेट करके दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि बहुत से लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही है, कभी 1000 करके एरर आ जाता है, कभी वैलिड ऑथेंटिकेशन करके आ जाता है या फिर ट्राई अगेन, सर्वर नॉट रेडी, ऐसे करके बहुत सारी एरर आ रही है लोगों के सामने, वीएलई सिविल स्कोर को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो ओटीपी आ नहीं रहा था, काफी टाइम हो जा रहा था ओटीपी आ नहीं रहा था, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए एक नया आपके सामने हम जनरेट करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहले सिविल स्कोर जनरेट करने के लिए आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे एंड यहाँ पे सिविल पे आपको क्लिक करना है, यानी यहाँ पे ये आपको फिल कर लेना, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, अगर मिडिल नेम है तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, चलिए इन सब चीजों को फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद से आगे प्रोसेस करते हैं। जेंडर में मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे मेल एंड यहाँ पे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है, देन यहाँ पे आधार नंबर डालना है, जिनका आप सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं एड्रेस उनका टाइप करना होता है, तो परमानेंट एड्रेस है तो परमानेंट चूज करेंगे एंड रेसिडेंस एड्रेस है, ऑफिस का एड्रेस है, जो भी उनका एड्रेस होगा यहाँ पे उनका एड्रेस टाइप करना होगा। ठीक है, देन यहाँ पे स्क्रोल डाउन करेंगे, स्टेट अपना चूज करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे उत्तराखंड चूज किया एंड यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, देन यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप में ओटीपी चूज करेंगे। आपके पास ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, फिंगरप्रिंट चूज करके उनका ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं किसी भी कैंडिडेट का जिनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, और आईरिस का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो चलिए ऊपर के इन फील्ड को भर लेते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्रीड करना है, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देखिए ओटीपी आया, यहाँ पे कई लोगों के पास ओटीपी नहीं आता है तो प्रॉब्लम आती है। ओटीपी देखिए अभी मेरे पास आ चुका है, अभी एंड यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, रीडायरेक्ट हो रहा है, देखते हैं क्या एरर शो करता है या सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे ये लॉग आउट हो गया। गाइस, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे ये अपने आप ही हमारा डिजिटल सेवा जो पोर्टल है ये लॉग आउट हो चुका है। यहाँ पे अगेन हम लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। इसे देखने के लिए हम यहाँ पे सिविल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे कि हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन कैसा रहा। ठीक है, नो रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, यानी हमारा ये सक्सेसफुल आगे प्रोसेस नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ बट ये मेथड यहाँ पे गाइस काम नहीं कर रहा है, देख लीजिए आपके सामने हम करके दिखा रहे हैं लाइव। अब चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेस में कुछ चेंजिंग करते हैं। हम यहाँ पे डिवाइस के माध्यम से करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। ओटीपी के माध्यम से करके दिखाया जो कि अनसक्सेसफुल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर दोबारा हम इस फॉर्म को पूरा फिल कर लेते हैं एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, को अपना स्टेट चूज करना है, जो भी आपका स्टेट होगा, एंड यहाँ पे ओटीपी की जगह यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट को चूज करते हैं। अब कंसेंट बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं कि ये प्रोसेस सही से काम करता है नहीं, हमारा सिविल स्कोर जनरेट होता है कि नहीं है। स्कैनिंग फॉर रजिस्टर्ड डिवाइस, प्लीज वेट, कुछ देर वेट करते हैं। ये सारा कुछ गाइज मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, देखिए। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैप्चर आधार पे क्लिक करेंगे, लाइट जल चुकी है, रीडायरेक्टिंग अगेन। गाइज, हमने ऑथेंटिकेट किया, फिर से ये दोबारा हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल लॉग आउट हो चुका है, इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। गाइज, अब एक ऑप्शन हमारे पास और बचा हुआ है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे कुछ भी हम वर्क करते हैं तो सीएससी की तरफ से हमें बताया जाता है, बार बार ये नोटिस भी दिया जाता है कि हमें हमेशा मोजिला फायरफॉक्स को यूज करना है। जो हम गलती करते हैं गूगल क्रोम को बार बार यूज करते हैं। चलिए इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं, गूगल क्रोम को बिल्कुल हमने क्लोज कर दिया, हमने फायरफॉक्स ब्राउजर को ओपन किया है। अब हम इसमें डिजिटल सेवा पोर्टल को ओपन करते हैं और लॉग इन करके डायरेक्ट हम इसको ऑथेंटिकेट करके आपको दिखाते हैं। ये फायरफॉक्स ब्राउजर है, सिविल पे हमने क्लिक किया और डिटेल फिल करके एंड यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स में ओटीपी को हमने चूज किया। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके कंसेंट को एग्रीड किया, प्रोसीड पे क्लिक किया एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, ओनली मोबाइल नंबर यहाँ पे चूज करते हैं, ईमेल हमने दूसरा यहाँ पे डाला हुआ है, इसे अनटिक कर देते हैं और ओनली एसएमएस पे क्लिक करते हैं। अब की बार हमारे पास ओटीपी आ चुका है 62 वैलिडेट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि लॉग आउट होता है या फिर कुछ होता है। ओके, वेरी गुड गाइस, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम आ चुके हैं। यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट,
एंड यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं। आगे देखते हैं प्रोसेस करके, कस्टमर रिपोर्ट फेच सक्सेसफुली, व्यू रिपोर्ट है, डाउनलोड रिपोर्ट है, तो डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट टैब ओपन हो रहा है और यहाँ पे पीडीएफ में डाउनलोड हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये सिविल स्कोर इस तरीके से जनरेट हो चुका है। अगर आप एक वीएलई हैं तो सिविल स्कोर निकालने के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जिनका भी आपने सिविल स्कोर जनरेट किया है वो यहाँ पे नजर आएगा, तो आप इस पे सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सिविल स्कोर अपना नहीं निकाल पा रहे हैं तो डिजिटल स्वाप पोर्टल को प्लीज आप मोजिला फायरफॉक्स में यूज कीजिए। बहुत सारी क्वेरी आने की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और आपको लाइव करके दिखाना पड़ा कि मोजिला फायरफॉक्स में और क्रोम में कितना ज्यादा डिफरेंस है। बहुत छोटा सा ये माइनर है लेकिन ये देखा जाए तो बहुत बड़ी चेंजिंग है। आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज कीजिए, सीएससी के किसी भी वर्क के लिए मोजिला फायरफॉक्स को यूज कीजिए। ओके तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।